सो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना हैव आवर लेसन नंबर 3, दैट इज विंडोज़। तो लेट्स लर्न अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो स्टार्ट विद द मेन फंक्शंस। द मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर्स आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यू हैव ऑलरेडी नोन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट क्या होता है। इनपुट द डेटा विच इज एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा फीड किया जाता है थ्रू कीबोर्ड या माउस के, उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन्स जो इनपुट पर वर्क होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। इनपुट जो हमारा डेटा जो भी हमने कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू कंप्यूटर में फीड किया है, उस पर जो भी प्रोसेस कंप्यूटर के थ्रू यानी कि सीपीयू के थ्रू होता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड देन आउटपुट। आउटपुट इज प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा हमको अपियर होता है ऑन द स्क्रीन, दैट इज द आउटपुट, रिजल्ट भी कह सकते हैं हम। सो अ कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तीनों चीज़ें पॉसिबल कब है? फंक्शंस वर्क तब करेंगे जब आपके कंप्यूटर में प्रॉपर पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इनबिल्ट हो, लगा हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्डवेयर फर्स्ट। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी, टच, इज कॉल्ड द हार्डवेयर। सिंपल सी डेफिनेशन है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स आप टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज द हार्डवेयर। जैसे कि हो गया द कीबोर्ड, देन माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द सीपीयू बॉक्स आर ऑल द हार्डवेयर्स। नाउ नेक्स्ट वन, कम टू द सॉफ्टवेयर। द इंस्ट्रक्शंस नीडेड बाय अ कंप्यूटर टू डू ऑल द वर्क इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। यू कैन नॉट सी और टच द सॉफ्टवेयर। बिल्कुल हार्डवेयर का अपोजिट होता है ये। पार्ट्स जो हम टच कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। पार्ट, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जो हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो सिर्फ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम होता है, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस होती है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या है हम कभी उन्हें टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ होता है। वैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को रीड करके कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा काम कहाँ पर किस तरह से करना है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो आप ना देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमने अभी देखे सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आप सबको पता है, इंस्ट्रक्शंस नीडेड बाय अ कंप्यूटर टू डू ऑल द वर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर आपका ओपन ही नहीं होगा। सपोज आपने सारे पार्ट्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, स्क्रीन आएगी ही नहीं। सो बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर की वजह से जो होता है, कंप्यूटर हमारा प्रोसेस में आता है और हम उस पर जो दूसरे वर्क्स कर सकते हैं। सम इंस्ट्रक्शंस आर बिल्ट इन टू द कंप्यूटर व्हेन इट इज मेड एंड इट इज परमानेंटली स्टोर्ड इन इट। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, दिस सॉफ्टवेयर अलाउज द कंप्यूटर टू डू ऑल द वर्क दैट यू वॉन्ट इट टू। Thus, it helps the computer to run, so it is called an operating system. Instructions, ये software जो होता है तभी computer के अंदर build कर दिया जाता है जब computer बनाया जाता है कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब the companies made the computers, exact that time पर क्या हो जाता है कि ये जो software है ये computer के अंदर build कर दिया जाता है, store कर लिया जाता है permanently. ठीक है, सो इसलिए जब कंप्यूटर हमारे, हम जब लेकर आते हैं घर पर, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, तो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेस में आ जाता है ऑटोमेटिकली, और आगे जो है हमारी फर्स्ट स्क्रीन आती है। सो सारे जो वर्क्स होते हैं वो हम उसमें कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी बिल्ड की गई है। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है हमें कंप्यूटर को हेल्प करता है
कोई भी वर्क करने का प्रोसेस आगे बढ़ाने का, सो इट इज़ कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेट करना मतलब शुरुआत करना. नाउ विंडोज़, जो एक्चुअली हमारा लेसन है. विंडोज़ विंडोज़ क्या है? मोस्ट कंप्यूटर यूज़ अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पॉपुलरली नोन एज जस्ट विंडोज़. इन टूडेज लाइफ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसे हम विंडोज़ भी कहते हैं. हाँ, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हम विंडोज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से विंडोज़ पे वर्क कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. द मोस्ट कंप्यूटर्स रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, पॉपुलरली नोन एज विंडोज. विंडोज़ इज अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द कमांड्स टू यूज़ द कंप्यूटर. यू यूज़ द माउस टू जस्ट क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल्स और कमांड्स और इट्स पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. वॉट मेक्स द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सो पॉपुलर? लेट्स सी सम ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग फीचर्स. ये हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेफिनेशन. कंप्यूटर्स, सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स में आज की दुनिया में इन टूडेज लाइफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ठीक है, अब विंडोज़ जो है दुनिया का सबसे यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब यूज़र फ्रेंडली होता क्या है? यूज़र फ्रेंडली इज सम जैसे कि यूज़र का काम आसान करने वाला विंडोज़. ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र का काम बहुत ईजी कर देता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन कॉल्ड अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि पहले दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ये सारे क्या है? दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन इनमें क्या होता है कि कमांड्स याद करनी पड़ती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई नंबर याद करना होता है, कोडिंग्स याद करनी होती है, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं हो सकता क्योंकि उसमें यूज़र का काम बढ़ रहा है ना, इंक्रीज़ हो गया है. इसमें क्या है, आप कोई भी कंप्यूटर के आइकन पे जाके बस माउस का एक क्लिक करो, आपको फाइल ओपन हो जाएगी. तो ये दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कोई है तो दैट इज़ विंडोज़. So what makes Windows operating system so popular? So let's see of some striking features of it. In Windows, each program opens in a separate window on the screen. Hence the name of Windows, you can work in many program at the same time. Windows ki facility feature, ek feature ye hai ki aapki screen par ek window open kiye, yani ki ek application open kiye. अब आप चाहते हो कि आप दूसरी एप्लीकेशन पे भी वर्क करो, तो एट द सेम टाइम आप दूसरी एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हो, तीसरी भी कर सकते हो, चौथी भी कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे विंडोज़ पर आप सेम टाइम पे काम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यू नीड नॉट रिमेंबर डिफरेंट कमांड्स टू वर्क इन विंडोज़. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द टूल्स और कमांड्स और इट्स पिक्चर्स आइकन्स ऑन द विंडोज़. आपको कोई भी कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने पहले आपको बताई हूँ कि दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें कोडिंग्स याद करनी होती है, कमांड्स याद करनी होती है, लेकिन विंडोज़ में नहीं, बिकॉज विंडोज़ इज़ अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसमें हमारा एक काम बच जाता है कि हमें कोई कोडिंग्स याद नहीं करनी, कोई कमांड्स याद नहीं करनी, कोई स्टेप्स याद नहीं करने हैं. आपको जस्ट जो इमेज पे ओपन करनी है वो इमेज पे जाके क्लिक कर दीजिए, या फिर जो फाइल आपको ओपन करनी है आप वो फाइल पे जाके क्लिक कर दीजिए. माउस का यूज़ करके आप अपने सारे काम को प्रोसेस में ला सकते हैं. थर्ड वन इज़ दी फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स और कमांड्स अपियर ऑन आइकन्स बटन्स ऑन द विंडोज़. अब सपोज बार बार जो काम हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, जो फाइल हम बार बार ओपन करते हैं, वो क्या हो जाता है कि आपके स्टार्ट बटन पे या फिर विंडोज़ आपकी स्टार्ट बटन या फिर आपकी स्क्रीन जो डेस्कटॉप होता है उस पर क्या हो जाता है कि वो प्रोग्राम का आइकन बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली बनकर आ जाता है, ताकि आपको बार बार आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पीछे जाके, जैसे सपोज कोई प्रोसेस है आपको एक फाइल ओपन करनी है,
तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाके एक्सेसरीज़ में जाके जो है आप अपनी फाइल ओपन कर रहे हो। ठीक है, अब आपने एक बार किए, देन यू डू सेकेंड टाइम्स टू, फिर थर्ड टाइम्स टू, लेंथी प्रोसेस है। तो विंडोज़ क्या करता है, वो रीड कर लेता है कि यूज़र जो है इसे बार बार यूज़ कर रहा है ये एप्लीकेशंस को, सो लेट्स मेक इट ईजियर। हमारा काम ईजी बनाने के लिए क्या कर देता है, वो डायरेक्ट वो आइकन को, वो फाइल को क्या करता है, हमारे स्टार्ट बटन पे डायरेक्टली हम लोग को दे देता है। तो ये भी एक फीचर है उसका। देर इज़ नो डेंजर ऑफ लूजिंग एनी अनसेव डेटा। इफ़ यू शट डाउन क्लोज विंडोज बिफोर सेविंग अ डॉक्यूमेंट, द कंप्यूटर विल आस्क यू वेदर यू वॉन्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट और चेंजेस मेड इन इट। इफ़ यू क्लिक ऑन द यस बटन, द कंप्यूटर विल सेव द डॉक्यूमेंट एंड देन शट डाउन द विंडोज। इफ़ यू क्लिक ऑन द नो बटन, द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेव्ड। यस, सो फोर्थ फीचर ये है कि देर इज़ नो डेंजर ऑफ लूजिंग एनी अनसेव डेटा। हमारे पास जो भी हमने, सपोज मैंने एक एप्लीकेशन पे बड़ा सा पैराग्राफ टाइप करी, ठीक है, अब मुझे मेरा कंप्यूटर जो है बंद करना है, आई वॉन्टेड टू क्लोज माई कंप्यूटर, शट डाउन माई कंप्यूटर, तो क्या होगा, डेटा बंद नहीं है, डेटा मैंने सेव नहीं की हूँ, सो वेन जब मैं क्लोज करने जाऊँगी, शट डाउन करने जाऊँगी मेरा कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, मेरी स्क्रीन पर एक मुझे छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पर पूछेगा, वार्निंग देगा कि आपको आपका जो भी डेटा आपने टाइप किए हो वो सेव करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं यस करूँगी तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इफ़ आई प्रेस नो बटन तो मेरा डेटा सेव नहीं होगा। तो ये एक फीचर इसका बहुत अच्छा है कि आपका कोई भी डेटा लूज़ नहीं हो सकता इसमें। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शंस को वर्क में लाने के लिए कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए, हाँ, और उसके हमने कुछ फीचर्स देख लिए कि फीचर्स क्या क्या है। देयर इज़ टू फोर फीचर्स जो बहुत हमारे काम को इजी बनाते हैं, एंड विंडोज़ इज़ अ वेरी फ्रेंडली यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हैव हाउ टू स्टार्ट विंडोज़, ये सब्जेक्ट हम लेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम उस पर थोड़े से काम करेंगे, एंड वी विल सी सम स्टार्ट बटन के प्रोग्राम्स देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।